वेलकम टू स्टडी विद जेके यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी वर्बल इंटेलिजेंस की सीरीज़ है, जो कि हमारी वीडियो नंबर 4 बनने जा रही है आज। और इसके अंदर आज हम दोबारा से 15 न्यू MCQs को रिजॉल्व करेंगे और आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई ट्रिक्स एंड टिप्स आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगी। तो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, BY, CX, DW, EV, FU। अब ये आपको एक सीरीज़ बताई जा रही है, ठीक है। अब इस सीरीज़ के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ आपका कौन सा लेटर आएगा, ये सीरीज़ है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये आपकी डबल सीरीज़ है। कैसे? अब ये जो आपका B है, ये आपका आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर के जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। और ये D भी आपका उसी के अंदर आ जाता है, E भी आपका आ जाता है। एक आपकी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर आपके दो सीरीज़ हैं, तो BY, CX, DW, EV, FU। अब यहाँ पर आपकी दो सीरीज़ अलग कैसे होंगी, BC, D, E, F, ये एक सीरीज़ है, Y, X, W, V, U ये दूसरी सीरीज़ है। अब आपने सीरीज़ को फॉलो करना है कि BC, D, E, F, F के बाद क्या आएगा, G। तो यहाँ पर आपने G पुट करना है, ठीक है। सेकेंड में Y, X, W, V, U। अब ये जो सेकंड सीरीज़ है आपकी, ये वाली, ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, उल्टी हो रही है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि U से पहले क्या आता है, T आता है। सो योर राइट आंसर इज़ G and T। सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये एक सीरीज़ दी गई है, 16, 12, 28, 8, 4, और यहाँ पर हमने बताना है क्या आंसर आएगा। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इस सीरीज़ के अंदर एडिशन हो रही है। कैसे कि 16 और 12 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जी 28, ठीक है। इसी तरह 8 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। सो दिस इज़ दी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज़ फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का वालिद है, बट बी इज़ नॉट ए सन, लेकिन जो बी है वो ए का बेटा नहीं है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए, पी और ए का आपस में क्या ताल्लुक होगा। ऑप्शन ए, अंकल, क्या बी ए का अंकल है। ऑप्शन बी, क्या बी ए का ब्रदर है। ऑप्शन सी, क्या बी ए का बेटा है। या ऑप्शन डी, क्या बी ए की बेटी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता दिया गया है कि ए जो है वो बी का बाप है, लेकिन ए जो है वो बी का बेटा नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो ऑब्वियसली बेटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं कि मंडे इज़ टू फरवरी एज फ्राइडे इज़ टू व्हाट। अब मंडे जो है वो फरवरी से रिलेट किया गया है, तो फ्राइडे किस से रिलेट होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जून। अब वो जून कैसे होगा वो आपने देखना है। अब देखें, मंडे के बाद, मंडे को रिलेट किया फरवरी के साथ, इसी तरह अगर आप इनको एक टेबल बना दें, मंडे होगा फरवरी के साथ और ट्यूसडे होगा मार्च के साथ, इसी तरह आपका जो वेडनेसडे होगा वो होगा आपका मार्च के बाद अप्रैल आता है, और थर्सडे होगा आपका मई के साथ, देन फ्राइडे होगा आपका जून के साथ। तो ये आपने टेबल बना लेना है, मंडे के सामने फरवरी लिखना है और ट्यूसडे के सामने आपने मार्च लिखना है। इस तरीके से जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको इसका आंसर कंफर्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब ये जो नीचे हमें दिए गए हैं इनमें से क्या मुख्तलिफ है, तो नंबर 1 हम देख लेते हैं, CE, EG, AC, and IJ। सो इनमें डिफरेंट आपका है IJ। वो कैसे, अगर आप गौर से देखें तो सी और ई के दरमियान कितने लेटर्स का डिफरेंस है, एक लेटर का डिफरेंस है, दैट इज़ डी। ई और जी के दरमियान भी एक लेटर का डिफरेंस है, एफ का, और ए और सी के दरमियान भी बी का डिफरेंस है, लेकिन आई और जे के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स इट इज़ नॉट सुइटेबल इन दिस सीरीज, इन दिस पोर्शन, सो इट इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि 17, 3, 51, 19, 3, देन यहाँ पर हमने बताना है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और उस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपका आ रहा है 51, ठीक है।
तो इसी तरह आपने 19 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? आपका आंसर आ जाएगा 57। सो इस सीरीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर सीरीज़ या तो डिफरेंस में आए या तो आपकी हर सीरीज़ प्लस में आए, मतलब वहाँ पर डिवीज़न भी हो सकता है, वहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रीजनिंग निकालते हैं, आप किस तरीके से उसे रिजोल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा और 57 इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। अब यहाँ पर तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि ये भी डबल सीरीज़ है, लेकिन 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 क्या होगा कि जो आपकी सेकंड सीरीज़ है ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, वी डब्ल्यू एक्स और वाई वाली जो आपकी सीरीज़ है ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। अब ई सब में सेम है, मतलब यहाँ पर जो पहला लेटर है वो ई ही आएगा और दूसरे में आपने देखना है कि वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, वाई, वाई के बाद क्या आता है जेड। सो योर राइट आंसर इज ई एंड जेड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करेगा और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप मेरे समझाने से पहले ही इसका आंसर अपने माइंड में निकाल लें, सॉल्यूशन करके कि आपका आंसर क्या आता है, और जो मैं आपको बताता हूँ कि आपका आंसर भी वही आता है कि नहीं। राइट, नेक्स्ट टू नंबर्स आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये नंबर आपने बताना है के ई जी, फिर आता है एक्स, फिर एफ, फिर एक्स, फिर एच जे, फिर एक्स, फिर आई, फिर के एम और उसके बाद एक्स, फिर एल, फिर एक्स, ठीक है। और इस तरीके से आपने आपने ये सीरीज़ बतानी है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर होगा आपका एन पी। अब वो राइट आंसर कैसे होगा इस पर आपने थोड़ा सा गौर करना है। अब देखें आपका जो ई और जी है, ई और जी के दरमियान कौन सा लेटर आता है, एफ, तो एफ यहाँ पर आपका हाईलाइटेड है, ठीक है। इसी तरह अब जी के बाद आपका आता है एच, तो यहाँ पर आपके जो लास्ट लेटर है जो फर्स्ट आपके सीरीज़ का, वो यहाँ से उसके बाद जो नेक्स्ट शुरू होता है वो यहाँ इन्होंने लगा दिया है। अब एच और जे के बाद आपके उनके दरमियान क्या कौन सा लेटर आता है, आपका आता है आई, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम आपका के और एम के दरमियान कौन सा लेटर आता है, आपका आता है एल। अब आपने बताना है कि यहाँ पर इस खाली जगह पर कौन सा पेयर ऑफ लेटर आएगा, तो वो आएगा एन पी। क्यों? क्योंकि एम के बाद आता है एन। अगर आप यहाँ देखेंगे जी के बाद क्या आता है एच, तो यहाँ पर इन्होंने एक्स के बाद एच को शुरू किया हुआ है, और जे के बाद क्या आता है के, तो यहाँ पर जे के बाद के को स्टार्ट किया गया है, और साथ में एम के बाद क्या आता है एन, तो यहाँ पर आपका एन स्टार्ट किया गया है, लेकिन एन के साथ पी लिखा गया, ओ नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि ओ इसकी तरह सेम आगे जाके आपका एक्स के दरमियान में आ जाएगा। सो एन पी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगेन दी पजलिंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन शायद इससे पहले भी मैंने अपने किसी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, लेकिन दोबारा मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अब आपने देखना है कि इफ़ बॉक्स इज कोडेड एज सी डी पी क्यू वाई जेड, हाउ वुड यू राइट कोट इन कोट। अब जो बॉक्स है उसे इस तरीके से लिखा गया है, अब आप बताइए कि कोट को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि बी, अब यहाँ पर ये कितने लेटर हैं, 1 2 3, ये 3 लेटर्स हैं, और यहाँ पर कितने लेटर हैं, 2 4 6 लेटर हैं। इसका मतलब है कि यहाँ का एक लेटर और यहाँ का एक पेयर। अब बी के साथ अटैच है आपका सी डी, ये आप देखें तो ये आपका अटैच है आपका सी डी। इसी तरह सेम ओ के बाद क्या आता है पी क्यू, और एक्स के बाद क्या आता है वाई जेड। अब ये आपको समझ आनी चाहिए कि बी के बाद क्या लिखा है सी डी, बी सी डी ओ के बाद, मतलब कि जो भी आपका लेटर है उसके दो लेटर्स आपने नेक्स्ट आने वाले वो पेयर में लिख देने, वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कोड को कैसे कोड करेंगे। तो सी के बाद क्या आता है सी डी ई, तो हमने देखना है कि डी ई कहाँ है, तो ये आपका डी ई आ गया, और उसके बाद आपका ओ के बाद आपका क्या आता है पी क्यू, ये आपका पी क्यू भी आ गया। उसके बाद हमने देखना है कि पी क्यू के बाद क्या आता है हमारा ए,
ए के बाद क्या आता है, बी सी, दो लेटर्स कौन से हैं, बी सी आ रहे हैं। इस तरीके से आपने इस पूरे को सॉल्व करना है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ई पी क्यू बी सी यू वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट द करेक्ट आंसर 17, 23, 30, 38, एंड यहाँ पर हमने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब अगर आप गौर से देखें तो 17 और 23 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। और 23 और 30 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 30 और 38 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये इंक्रीज हो रहा है, 6, 7, 8। तो यहाँ पर कितने नंबर हमने प्लस करने हैं 38 के अंदर, ऑब्वियसली वी हैव टू प्लस 9 नंबर्स। सो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो हमारा होगा 47। 38 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 47। सो इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इजी क्वेश्चन। लाइट इज़ टू आई ए साउंड इज़ टू वाट। बॉडी पार्ट्स की बात की जा रही है कि आँख का जो काम है वो, मतलब मेन आँख का फोकस किस चीज़ पे होता है, जो हमारी ह्यूमन आई है इसका फोकस होता है लाइट पे। हम किसकी वजह से देख सकते हैं, लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं होगी तो हम वी कांट सी। साउंड इज़ टू वाट। अब साउंड का ताल्लुक हमारे बॉडी के किस पार्ट से है, सो इट इज़ ईयर। ईयर इज़ द राइट आंसर। सो मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए फेल्योर, स्टूडेंट हैप्पी और एग्जाम्स। सो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि हैप्पी आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि फेल्योर, स्टूडेंट फेल भी हो सकता है, स्टूडेंट एग्ज़ाम भी देता है और स्टूडेंट खुद स्टूडेंट यहाँ पर, तो जो फेल्योर, स्टूडेंट एग्ज़ाम ये एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन हैप्पी ये एक फीलिंग है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये यहाँ इस कैटेगरी के अंदर सूट नहीं कर रही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, गॉडली, होली, पायस और एथिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा एथिस्ट। अब जो इसे छोड़ के जो पहले के तीन ऑप्शंस हैं उससे मुराद है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, खुदा पे यकीन रखते हैं, लेकिन एथिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि खुदा खुदा पर यकीन नहीं रखते। उनके मुताबिक कि दुनिया, जहान, कायनात के अंदर कोई खुदा नहीं है, सो ये उनकी खाम ख्याली है, तो इस वजह से यहाँ पर ये डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पर ये आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है, श्योर, वेग, क्लियर, सर्टेन। सो राइट आंसर इज़ वेग। अब वेग का मतलब होता है मुबहम, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, एक अनसर्टेन चीज़। श्योर का मतलब है, यहाँ पर जो हम इसका अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लें तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ क्लियर है। क्लियर का मतलब भी एक चीज़ बिल्कुल वाजे है, और सर्टेन का मतलब भी कि कोई चीज़ जो कि वाजे हो और उसके अंदर कोई शक शुबा ना हो। लेकिन वेग एक ऐसे, इसका जो मतलब आता है कि एक ऐसी चीज़ जिसमें अनसर्टेनिटी हो, जिसके अंदर आपका गरर हो, जिसके अंदर आपका शक हो, तो उसे आपका वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन, एंड हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार, हु इज़ दी ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर आपने बताना है कि इन सब में से बड़ा कौन है। सो कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल। अब जमाल जो है वो कमाल से छोटा है, लेकिन जमाल हुसैन से बड़ा है, लेकिन हुसैन वकार से बड़ा है। तो वेरी सिंपल कि आपने ये देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया जा रहा है, कि कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, कमाल जमाल से बड़ा है, जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी जमाल से रिलेटेड है, मतलब चाहे जमाल जिससे भी बड़ा हो लेकिन जमाल से बड़ा कौन है, कमाल। तो कमाल इसका राइट आंसर होगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी मैं नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको और अच्छे तरीके से न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।